लग रहा है कुछ गलत काम करते थे वो पुलिस की सेवा से लग रहा है कि ऐसे ही लग रहा है? क्या नाम है? हनी शिव। हाँ हनी शिव। हनी शिव नाम भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा है तुम्हारा। हनी शिव कहाँ के रहने वाले हो? एमपी। एमपी में कहाँ के? कौन सा जिला है? बालाघाट। उसको चेयर दे दो यार, थोड़ा कुछ चेयर दे दो, थोड़ा बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, बैठने दो यार, कहाँ पर आया बैठा है। ये क्या लिखे हो? ये कौन है, नाम है? बैठ जाओ। टेंशन ज्यादा हो गया ना, और थोड़ा नवरात्रा भी लगता है कर रहा है बेटा। तुम तो आँख देख के लगता है नशा करते हो। कौन सा नशा करते हो? दारू। और नहीं नहीं और भी करते हो यार, तो दारू करते हो? कितना पीते हो दारू डेली? डेली नहीं पीते, कभी कभी। कितना पीते हो कभी कभार? एक दो क्वार्टर बस। सही है। पढ़ाई कहाँ तक किए हो? नाइन तक। ये एटीएम काटने का पहला प्रयास था कि पहले भी किए हो? दूसरा है। पहला कहाँ किए थे? अपने क्षेत्र में। पढ़ाई क्षेत्र आ गए। अपने क्षेत्र में कहाँ पे किए थे? उकवा जिला है क्या? है सब डिवीजन है। बैंक हाँ बैंक में कर रहे थे। बैंक में किए थे। उस टाइम कितना गायब किए थे बैंक से? नहीं हुआ मतलब नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? लॉकर ही नहीं तोड़ पाए। बैंक के अंदर कोशिश किए थे? कैसे खुश थे बैंक में? खिड़की तोड़ के। कौन सा बैंक था? सिंडिकेट बैंक। तुम तो यार एक से एक आदमी बैंक में खिड़की तोड़ के बैंक में घुस गए, अभी एटीएम में घुस गए। तुम्हें कोई डर नहीं लगा क्या? और अपने साथ जो दो नाबालिग को साथ लेके आ गए, वो भी आसपास ही रहते हैं क्या तुम्हारे? अचानक इतने पैसों की आवश्यकता क्यों पड़ गई तुम लोगों को कि एटीएम काटना पड़ा? कुछ मेहनत का काम करने की नहीं सोची कभी? पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? खत्म हो गए। माता जी? भाई बहन कितने हो? दो भाई। बड़े हो छोटे हो? छोटा। छोटे हो। बड़ा भाई क्या करता है? तुम भी मजदूरी कर लेते हो, मेहनत का काम करते हो। इस काम में क्यों आ गए? बैंक तो खिड़की तोड़े कब घुसे थे, कब की बात है? अक्टूबर नवंबर की बात है। पिछले नवंबर। और नवंबर के बाद 3-4 महीने कुछ नहीं किया गड़बड़ काम? तो क्या कर रहे थे 3-4 महीने? बिना कुछ किए तो रह ही नहीं सकता आदमी भाई, जिसको आदत पड़ जाए जो बैंक तोड़ने की। और बैंक तोड़ने में कितने लोग गए थे अंदर? दो। कौन दो? एक और। तो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? उस टाइम पकड़ाए थे क्या तुम लोग? तो कहाँ गए थे पकड़ाने के बाद? पकड़ाने के बाद नहीं नहीं जब पुलिस पकड़ ली तुम लोगों को तो कुछ जेल वेल नहीं हुआ? उस टाइम नाबालिग थे क्या तुम? नाबालिग थे तो देखो एक मौका दिया है कानून ने तुम लोगों को, नाबालिग थे, छूट गए, लेकिन सीखे नहीं, फिर वही काम कर रहे हो। इसीलिए आते ही नाबालिग बोल रहा था, खुद को लगा दोबारा बच जाऊंगा। तुम्हें तो कोई ग्लानी भी नजर नहीं आ रही है, तुम्हें लग रहा है कुछ गलत काम करते थे। वो पुलिस की सेवा से लग रहा है कि ऐसे ही लग रहा है? लग रहा है। घर में किसी से बात हुई है पकड़ाने के बाद? पकड़ाए हो तो घर बात किए किसी से? नहीं किए। तो ये दुर्ग में ही काटना है ये एटीएम, ये कैसे दिमाग में आया? हम जा रहे थे घर, हमसे काम नहीं हो रहा था, हम जा रहे थे घर। कहाँ से घर जा रहे थे? दुर्ग होते तो पहले कहाँ से दुर्ग आए? हम आए थे गोंदिया उतु। तो गोंदिया तो उल्टा पड़ता है यहाँ। गोंदिया उतु आए थे ना। कहाँ आए थे? रायपुर। रायपुर आए थे ना। रायपुर क्या काम के लिए आए थे? ऐसे घूमने आए थे। घूमने के लिए क्या है रायपुर में? क्या घूमे रायपुर में? काम के लिए आए थे। कौन सा काम के लिए? यही रेकी करने आए थे। हाँ काम के लिए आए थे। काम भी तो ऐसा है। तो रायपुर में ऐसा क्या नहीं दिखा, दुर्ग में क्या दिख गया कि मेरे इलाके में ही एटीएम काटने का मन कर गया तुम्हारा बॉर्डर पे? हाँ
पहले एक अमृतसर में आके गोलीबारी करके चला गया, एक बॉर्डर पे आके तुम एटीएम काटने लग गए, दुर्ग में क्या लगा तुम्हें कि दुर्ग में काटने लग गए, रायपुर में क्यों नहीं काटे? रायपुर में पब्लिसिटी है, राजधानी है, इसलिए तुम सोचे कि दुर्ग में बजा देते हैं। तुमने दुर्ग पुलिस के बारे में सुना नहीं है क्या तुमने? नहीं सुना है, इसीलिए। कितने बजे तुम पहुंचे वहां पे कुम्हारी में? 3 बजे रात में 3 बजे पहुंचे। फिर क्या किए? तोड़े सीधा एटीएम। एटीएम देखे थे पहले कि रोड पे दिखा और घुस गए? रोड में दिखा और घुस गए। फिर क्या हुआ? तोड़ने लगे। कैसे तोड़ने लगे? सामान था उसे तोड़ रहे थे, तो फिर एक सायरन बजा। सायरन बज गया। अरे भाई, फिर क्या हुआ? बाहर आ गए। फिर क्या हुआ? फिर एक का सामान गिर गया था, तो फिर वापस आए थे लेने। ओहो, सामान गिर गया। क्या सामान गिर गया था? पढ़ाई करते थे, उसके कुछ कागजात थे। कागजात पढ़ाई के नहीं गिरे, कागजात पकड़े जाएंगे इसलिए वापस आए हो। पढ़ाई से तुम लोगों को मतलब होता है तो काम ढूंढने रायपुर जाते क्या, कटाई करने? फिर वापस आए। कहाँ से वापस आए? आगे पुल से। कौन से पुल से? नहीं, ये हल्का सा आगे तक गए थे, वापस आए। फिर क्या हुआ? पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? पूछताछ हो गई थाने में आकर। कैसे आदमी हर बार फेल हो जाते हो यार, पूरे बैंक के अंदर घुसे वो भी नहीं कर पाए, एटीएम में आए वो भी नहीं आए, आज काम ठीक से नहीं आता है, किस्मत ठीक नहीं है। हाँ, क्या लगता है तुम्हें? क्या चीज? काम ठीक से नहीं आता तो जाके यही सीखोगे क्या दोबारा? हाँ, जेल जा ही रहे हो। और ये कैसे काटना है, ये कहाँ से सीखे तुम? YouTube देखिए, प्रैक्टिस जो किया है। अरे भाई, तुमने तो यार पूरे मिनटों मिनट लगा दिए इसी को सीखने में। मेरा कोई आवाज नहीं आ रहा है। अरे भाई, ये इतनी प्रैक्टिस पढ़ाई की किए होते तो कहाँ पहुंच जाते बेटा, जितनी शिद्दत से ये काम सीखे हो। भगवान ने मौका दिया, कानून ने मौका दिया, एक बार नाबालिग थे छूट गए। बाइक चोरी की थी किसी? और बाइक कहाँ से लाए? 3 लाख दोस्त की बाइक थी। कितने लाख की बाइक है? 3। वो बाइक कहाँ से खरीदा दोस्त तुम्हारा 3 लाख की? कबाड़ का काम करता है। कहाँ पे? कहाँ? तो कबाड़ में। तो कबाड़ में इतना प्रॉफिट था, 3 लाख की बाइक खरीद लिया, तो ये चोरी में क्यों आ गया तुम्हारे साथ? वो नहीं, तो उन्हें बाइक दिया था, किसी ने मांगा था, जो मेरे साथ थे लड़के, एक जन ने मांगा था उसकी बाइक, मांगा उसने दे दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि बाइक भी ले डूबे तुम लोग। अब वो बाइक मांगेगा नहीं तुम लोगों से क्या? वो नावाली तो छूट जाएगा, तो बाइक मांगेगा नहीं वो? दोबारा बैंक में डकैती कर लोगे। सही बात है। क्या है 3 लाख? क्या चीज़ है तुम लोगों के लिए? कि जरूर कहेंगे तुम लोगों ने सफल भी हुए होगे, तभी इतना पैसा आया है तुम लोगों के पास। थाने से एकदम नजदीक एटीएम चुने, डर नहीं लगा पुलिस जल्दी आ जाए? ये तो रायपुर आए, रायपुर देखी किए। रायपुर कब पहुंचे तुम लोग? 2 दिन हो गए। 2 दिन क्या किए रायपुर में? घूम रहे, पूरा घूम रहे थे, देख रहे थे रायपुर, लेकिन हिम्मत नहीं किए रायपुर में करने की। ऐसा क्यों? पब्लिक घूमती रहती है वहाँ पे, आप इंसान दिखाते हैं। रुके कहाँ थे रायपुर में? रेलवे स्टेशन। कहाँ पे? रेलवे स्टेशन में रुके थे उस रात के। 2 दिन रुके हो ना, 2 रात रुके हो। कहाँ रुके हो 2 रात? एक ही रात रुके वहाँ पे, रेलवे स्टेशन के स्टेशन पे ही। हाँ, बाइक लगा के वही स्टेशन पे रुक गए। नींद आ गई रेलवे स्टेशन पे? नींद नहीं है, तो भी ठीक है, काम नहीं कर पाते हो तुम लोग। बालाघाट से प्लान बना के चले थे लोग। हाँ, बाइक भी बालाघाट से लेके आए। हाँ, वही दोस्त था, 3 लाख की बाइक है भाई, पहुंच गए। मतलब बाइक में नंबर वंबर था कि नहीं था? नहीं, नई गाड़ी, एक हफ्ते लिए बस। एक हफ्ते लिए हुए? अरे भाई, कबाड़े तो गया। यूट्यूब देख के वहीं से आए थे कि यहाँ पे बाइक पे यूट्यूब देख? नहीं नहीं नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ है, देखो ना। ये सब वहीं से लेके आए? नहीं नहीं, मारते कैसे हो भाई? एक बार दिखा था, दिखाओ यार, डेमो दिखाओ। सामान नहीं है इसका।
सामान भी चाहिए, सामान क्या होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत जलता है भाई ये, तो आग लगने के चांस रहते हैं। लेकिन घूमते हो रायपुर से खरीदे? रायपुर में क्या बोले खरीदे, ये कहाँ से खरीदे? मिलता है सर, गैस मिलता है, ब्यूटेन गैस है, क्या बोल के खरीदे? स्प्रे बोल के लिए तो अब क्या सोचे हो भाई? तुम लोग ये जो दोनों जो गैंग के सदस्य बने तुम्हारे, तुम्हारा लीडर कौन था तीनों में? एक बाइक में तीनों निकले हो बालाघाट से, बालाघाट से सिवनी होते हुए रायपुर गए, और फिर गोंदिया होते हुए रायपुर गए, रायपुर से यहाँ वापसी में हाथ साफ करने में लग गए। एक ही बताओ, तुम्हारा दो दो एक्सपीरियंस है, एक बैंक लॉकर तोड़ने का एक्सपीरियंस, एक एटीएम तोड़ने का एक्सपीरियंस, कौन सा ज़्यादा आसान है? दोनों ही कठिन है। अगली बार क्या करोगे सफल हो जाओ? हाँ अब नहीं करोगे? क्यों? पिछली बार आंख नहीं खुली, इस बार आंख कैसे खुल गई? वहां कैसे पकड़ाए थे? कैमरा। तो इस बार क्या सावधानी बरते थे कैमरा से बचने के लिए? अरे पूरा ढकवक के आए थे, क्या बात कर रहे हो, पूरा ढकवक के आए थे। सारन कैसे बच गया? थोड़े में लगा था अंदर का। तुम्हें पता नहीं था कि अंदर सारन होता है? अचानक सारन बजा तो क्या किए? चल के बाहर हो गए। आप देख सकते हैं किस तरह से नाबालिग लगातार गंभीर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहले इनके द्वारा बैंक तोड़ने की भी कोशिश की गई, खिड़की से कूद के अंदर आए, लेकिन नाबालिग का फायदा उठाकर ये छूट गए। इस बार भी ये अस्वस्थ था कि ये नाबालिग है, पहले इसने खुद को नाबालिग बताया, लेकिन आधार कार्ड और इसकी 8वीं के सर्टिफिकेट मंगवाने पर इसकी उम्र कितना मिल, कितना उम्र इसका? 19 साल। पिछली बार भी उसे झूठा सर्टिफिकेट दिया होगा तभी बचा है। यदि ये 19 साल का है, झूठ कैसे गए उस टाइम? जब वो बैंक में घुसे थे तो बालिग हो गया, तो 19 साल के हो तो 18 पार हो गया होगा तुम्हारा। हाँ फर्जी सर्टिफिकेट दिए हो गए उस टाइम तो? स्कूल से खुद ही लाए थे सर्टिफिकेट। पिछली बार इसने गलत सर्टिफिकेट दे के वहाँ से बच निकला। बैठने दो, बैठने दो यार, कोई बैठ जाओ, बैठ जाओ। वैसे भी आधा नाबालिग ही है, हरकतें तो, लेकिन बताया नहीं तुम यार, इतनी जल्दी तुम्हें पैसे की आवश्यकता क्या पड़ गई? दारू पीते हो, चलो उस पर थोड़ा खर्चा होता होगा, और किस चीज़ में खर्चा होता है? अभी भी नशा नशा में लग रहे हो, दारू का इतना लंबा नशा नहीं रहता है। हाँ नींद एक चीज़ है, नींद रात को सोने दिए बगैर लोग, लेकिन ये बिल्कुल डायलेटेड है इसका आँख जो है। अरे भैया ये लेता है गांजा।